हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमा, उमस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ बहुत सारे प्लांट। ये मुझे बहुत सारे प्लांट मिल गए थे, मैक्सिकन पिटूनिया हाइब्रिड है ये, आप देख सकते हैं। ये आप लोग प्लीज़ मुझे बताना हाइब्रिड है कि देसी है। मुझे तो लग रहा कि हाइब्रिड है, जो इसका पिटूनिया है इसका साइज़ देखो कितना बड़ा है। ये मुझे 3 कलर में मिला है, आप देख सकते, एक वाइट वाला है और ये तो पिंक वाला है और ये वाला है वाइट वाला, सॉरी ये वाला, ये वाइट वाला है। और विद रूट्स लेके आई हूँ मैं, ये लग जाता है इस टाइम, आप लगा सकते हैं। और एक ये वाला पिंक वाला लाई हूँ मैं, एक वाला, और एक ये वाला लाई हूँ पर्पल कलर का, आप देख सकते हैं। और एक और मैं पिंक कलर का लेकर आई हूँ। इस तरह से 3 कलर लेके आई हूँ और इनको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं अब। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसके लिए मैंने ये मेरे जो प्लांट है और इसके लिए जो सॉइल मीडिया है, ये मेरा पुराने वाला सॉइल मीडिया था, बिल्कुल वेलड्रेन है, भुरभुरा है। और जो पुरानी हमारा जो हम प्लांटर से निकालते हैं मिट्टी, ये मैंने प्लांटर ले रखा है। तो हमने क्या करना, उसको हमने पूरे दिन की धूप लगानी है उसको, फिर उसके बाद हमने जो फंगस वगैरह होती है वो हमारे जो मिट्टी से वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी पुरानी मिट्टी होती है उसको पोरस बनाने के लिए और पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसको धूप लगानी होती है। और उसके बाद उसमें आप जो भी आपने डालना है, इसमें गोबर की खाद डालो आप, मैंने इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी हुई है। और आपने क्या करना, गोबर की खाद और जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो मैं सबसे पहले इसमें डाल दूँ, आप देख सकते हैं इस तरह। तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छा होगा दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। तो सबसे पहले मैं ये वाला प्लांट लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं, और ये वाला प्लांट लगा रही हूँ। इसमें है, मेरे को लग रहा है पिंक कलर का, शायद पिंक, पता नहीं कौन सा कलर है, अब इसका फूल तो निकल गया हुआ है। तो इसको मैंने अभी पानी में रखा हुआ था, रात को लेकर आई हूँ दोस्तों। ये मैं लेकर आई हूँ, मैं कहीं हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लगाए हुए थे उन लोगों ने, बहुत बड़ा गार्डन तैयार करके रखा हुआ था। तो इसको आप कटिंग से भी बहुत ईजिली तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखो, इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है। और ये जो मेरा सॉइल है, आप देख सकते हैं इसको, मतलब ये ना बेकार नहीं होता है, ये जो एक आप इसकी कटिंग लगाओगे, इसकी कटिंग बहुत ही इजीली लग जाती है। इस तरह से आप उसको लगा दें, ये मेरी पहला प्लांट हो गया हुआ है। जो नीचे, इसके नीचे जो यहाँ पे इसके नीचे जो रह गए छोटे छोटे प्लांट, वो अपने आप ही उग जाएंगे दोस्तों। और एक मेरा ये हो गया, अब मैं दूसरे को कर रही हूँ। और सबसे नीचे मैं इसके होल को बंद कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, बेस्ट जो बैग लेना चाहिए होता है। और उसके बाद आप इसको, पानी आराम से ड्रेन हो जाता है, फिर बस आप अपनी मर्जी से, आप जो मिट्टी है अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बहुत अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर बनाना है आपने। और इसके बाद मैं अब लगा रही हूँ इस प्लांट को, देख सकते हो आप इसका, सॉरी टूट भी गया। और ये है मेरा पर्पल कलर का है, वो मेरा पिंक कलर का है। तो अब मैं इसकी रूट्स देखो, तो ये तो बहुत ईजिली लग जाएगा दोस्तों। मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो फिर अब इसके अंदर मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ, देख सकते हो आप। आप इसी तरह से लगाएं, और एक बार आप लगाएंगे दोस्तों और उसके बाद आप बहुत सारे प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। मैंने भी अभी एक ही बार लाया है, तो मैं भी इसके बहुत सारे प्लांट तैयार करूँगी। उम्मीद करूँगी कि मेरे गार्डन में भी ढेरों प्लांट तैयार हो जाए इस तरह से। ये देखो, तो इस तरह से मेरे हो गए हैं 2 प्लांट, आप देख सकते हैं। और तीसरे के लिए मैंने अब ये वाला छोटा सा प्लांटर, मेरे पास बड़ा था नहीं अभी, तो छोटा वाला था, तो मैं इसमें लगा रही हूँ पिंक और वाइट वाला, ये 2 वाला पिंक और वाइट वाला है। अब इसको मैं इसमें ही लगा दूंगी, फिर बाद में इसको बड़ा प्लांटर दे दूंगी, क्योंकि अगर आप इसको जितना खुला प्लांटर दोगे दोस्तों, उतना ही आपका प्लांट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। तो आपने क्या करना है, इसमें आप फंगस के लिए आप फंगीसाइड पाउडर भी डाल सकते हैं और हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो आपका जो प्लांट है जो उसमें फंगस वगैरह बिल्कुल भी ना लगे और वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी बने वो प्लांट। ये देखो, इस तरह से आप क्या करें, रिपोर्टिंग करें। ये देखो, ये मेरे 3 प्लांट बिल्कुल तैयार हो गए मैक्सिकन पिटूनिया के। और ये इसमें कलर है, देखो कितने प्यारे प्यारे से कलर है और इतने अच्छे हैं। और हमने इसके ऊपर क्या कर देना, अच्छे से वाटरिंग कर देनी। मैंने वही वाला पानी डाला जो मेरे पास सुबह से मैंने इसमें जो भिगो के रखे हुए थे। तो इस तरह से आप इसमें एक बार आप इतना पानी दें इसमें कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, और दूसरी बार देने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है बहुत अच्छे से, ये देखो इस तरह से, और देख सकते हो।
तो दोस्तों देख लो आप, मैंने ये पूरी रिपोर्टिंग कर दी हुई है यहाँ पे अच्छे से, और मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।